तो 1,20,000 बहाली है तो बिहार के बेरोजगारों को ही नौकरी देनी है और लगातार राज्य सरकार दावा भी कर रही है, तो फिर क्या ऐसी बातें आ गई कि इनको प्रथम फेज में मौका मिला, दूसरे फेज में इनको हटाया जा रहा है? सीटी टेम्परिंग को मौका मिलना चाहिए, ये मांग हम लेकर आए हैं, क्योंकि हम लोग आखिर TRE1 में मौका दिया गया है तो TRE2 में भी हम लोग को मौका चाहिए। हमारी बस यही मांग है कि हमको एक बार मौका दिया जाए एग्जाम में बैठने का, अगर हमें योग्यता होगी तो हम एग्जाम क्वालिफाई करेंगे, नहीं योग्यता होगी तो डिस्क्वालीफाई कर दिया। आया हुआ है वैकेंसी, इसमें आप मौका दे नहीं रहे हैं और बोल रहे हैं कि हर साल जो अगस्त में वैकेंसी आएगा उसमें हम, इसका क्या गारंटी? लाखों लाख रुपए खर्च करके लोग बीएड की डिग्री लेते हैं और योग्य है प्रथम पेज के बहाली में बैठे भी, तो BPSC चेयरमैन बताए कि क्या ऐसे कारण था इनको बैठने का मौका मिला, क्या ऐसा कारण आ गया कि इनको बैठने से वंचित किया जा रहा है? आपसे कोई नौकरी नहीं मांग रहा, सिर्फ बच्चा फॉर्म भर के एग्जाम में बैठने का मौका, जो इसमें क्वालिटी, आप क्यों दूसरे स्टेट को मौका? देखिए, तमाम जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं उनको लगातार जो है नियुक्ति पत्र बिहार में दिया जा रहा है, BPSC एग्जाम कंडक्ट कराकर जो परिणाम है वो घोषित कर देती है, उसके बाद उन लोग को नियुक्ति पत्र दिया है। लेकिन कई अभ्यर्थी जो है वो अभी भी नाराज चल रहे हैं, सीटेट के कई अभ्यर्थी जो है यहाँ पहुँचे, क्या कुछ कारण रह गया सौरभ जी? देखिए, निश्चित रूप से जो प्रथम फेज की बहाली में सीटेट अपीयरिंग वालों को मौका मिला था, तो क्या ऐसी सरकार को BPSC को ऐसी आफत आ गई कि इन लोगों को बाहर कर दिया गया? इतने बड़े पैमाने पर शिक्षकों की बहाली निकल रही है, पहले 50,000-70,000 की बात की गई, फिर उसमें 50,000 सीट को कंपनसेट किया गया, यानी बैकलॉग सीटें जो बाकी थी प्रथम फेज की, यानी 1,20,000, तो 1,20,000 बहाली है तो बिहार के बेरोजगारों को ही नौकरी देनी है और लगातार राज्य सरकार दावा भी कर रही है, तो फिर क्या ऐसी बातें आ गई कि इनको प्रथम फेज में मौका मिला, दूसरे फेज में इनको हटाया जा रहा है? लाखों लाख रुपए खर्च करके लोग बीएड की डिग्री लेते हैं और योग्य है प्रथम फेज की बहाली में बैठे भी, तो BPSC चेयरमैन बताए कि क्या ऐसे कारण था इनको बैठने का मौका मिला, क्या ऐसा कारण आ गया कि इनको बैठने से वंचित किया जा रहा है? मेरा स्पष्ट मानना है इन लोगों की मांग बिल्कुल जायज, लाखों लाख अभ्यर्थी हैं तो सीटी अपीयरिंग की मांग के लिए बैठे हैं और 10 दिनों से कभी BPSC ऑफिस, कभी शिक्षा विभाग, कभी मुख्यमंत्री जी के पास जा रहे हैं, गुहार लगा रहे हैं कि हमको मौका मिलना चाहिए। नौकरी की तो मांग को कर नहीं रहे हैं, बस फॉर्म भरना है, अप्लाई करना है, परीक्षा में बैठना है, अगर फेल कर जाते हैं तो ऑलरेडी फिल्टर के तहत इनको बाहर किया जाएगा। स्पष्ट मानना आपके चैनल के माध्यम से कि हम उनको मजबूर मत कीजिए, आज हम लोग धरना पर बैठे हैं, अगर हमारी मांग सुनी नहीं जाती है तो 1-2 दिन के अंदर हम लोग सड़क पर उतरेंगे, सीटेट अभ्यर्थी वाले जितने भी अभ्यर्थी हैं। प्रसाद तो कहते हम सबको लेंगे, अतुल प्रसाद जी का तो रोज ट्विटर बॉय बने हुए हैं, रोज ट्वीट करते हैं, कभी कुछ कभी ये कभी वो ये भी कह रहे हैं कि हम अगस्त महीने में हर साल वैकेंसी आएगी, तो बिहार सरकार का, तो बिहार सरकार ड्रेल तमाम मामलों में देखिएगा, कभी कुछ बयान आता है, कभी कुछ आ जाता है, कभी नियोजित वालों का फैसला अभी तक नहीं लिया, उनके लिए अलग नियमावली आई है, कभी सीटेट अभ्यर्थी वालों को मौका दे दिया, उनको हटा दिया गया। सीधे स्पष्ट मांग है कि जितने लोग सैकड़ों लोग आज आए हुए हैं अपनी मांगों को लेकर, उनको मौका मिलना चाहिए, अगर मौका नहीं मिलता है तो हम लोग धरना पर बैठे हैं, कल हम लोग को सड़क पर उतरना पड़ेगा। महिलाएं भी हैं, क्या कुछ मांगों को लेकर आएंगे? सीटी टेम्परिंग को मौका मिलना चाहिए, ये मांग हम लेकर आए हैं, क्योंकि हम लोग आखिर TRE1 में मौका दिया गया है तो TRE2 में भी हम लोग को मौका चाहिए, क्योंकि जब BPSC 4 महीने में 2 बार लेती है और सीटी 6 महीने में 1 ही बार होता है, तो इसमें हम लोग की क्या गलती है, हम लोग का क्या दोष है जो हम लोग को सीटी टेम्परिंग वाले को मौका नहीं दिया जा रहा? हम लोग BEd क्वालिफाइड है, सारा चीज़ डिग्री है, हम लोग सीटी टेम्परिंग का बस मौका मिल जाए ताकि हम लोग भी एक जॉब ले सके। हम लोग बस नहीं चाहते हैं, महिलाओं को हमेशा, हमारे माननीय नीतीश कुमार बोलते हैं कि मां महिलाओं को आगे रखा जा रहा है, महिलाओं के लिए रिजर्वेशन किया जा रहा है, तो ये अगर सीटी टेम्परिंग वाले को मौका नहीं मिला तो फिर से महिलाएं पीछे रह जाएगी, जितना भी उन्होंने किया है अच्छे अच्छे काम वो सारे बेकार हो जाएंगे अगर ये भी मौका नहीं मिलता है। इससे मेरी रिक्वेस्ट है अतुल सर से भी, हमारे माननीय नीतीश कुमार से भी, कि प्लीज़ आज रिट्वीट कीजिए और सीटी टेम्परिंग वाले को हम लोग को मौका दीजिए। दिवाली का टाइम है, सब जगह खुशी के दिए जल रहे हैं, लेकिन हमारे लिए ये ब्लैक डे बन गया है, तो हम लोग के लिए भी अच्छा चीज़ कुछ भी खुशी का टाइम है, प्लीज़ हम लोग के आपको दिवाली का तोहफा चाहिए आपसे। ये दिवाली का तोहफा मांग रहे हैं तमाम जो छात्र, उनके चेहरे पे कहीं ना कहीं जो है वो मजबूरी दिख रही है, एक तरह से कहे कि जो खुशियाँ होती है वो खुशियाँ इनके चेहरे पे नहीं दिख रही है। क्या कुछ मांगे हैं आपकी? मेरी मांग यही है कि जिस तरह BPSC TRE1 में सीटेट अपेयरिंग वाले को मौका मिला है, उसी तरह BPSC TRE 2.0 में सीटेट अपेयरिंग वाले को मौका मिले। हमारी बस यही मांग है कि हमको एक बार मौका दिया जाए एग्जाम में बैठने का, अगर हमें योग्यता होगी तो हम एग्जाम क्वालिफाई करेंगे, नहीं योग्यता होगी तो डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। अब तो नहीं तो जानते हैं कि ये सरकार क्या कर रही है, लेकिन फर्स्ट जो वैकेंसी थी BPSC का उसमें अगर दिया गया तो इसी के आधार पर हम लोग को भी देना चाहिए BPSC टाइप 2 में, लेकिन ऐसा तो है नहीं। कल ही ट्वीट आया है कि अतुल प्रसाद की 12 वैकेंसी अगस्त में, अब कितना इससे बड़ा वैकेंसी आया कि नहीं आया कौन जानता है,
अभी हम लोग का किसी का एज पार हो जाएगा, कोई कुछ भी हो जाएगा, क्या जानता है, लेकिन अभी तो इतना वैकेंसी है, इसमें तो हम लोग को मौका दीजिए। अभी जो आया हुआ है वैकेंसी, इसमें आप मौका दे नहीं रहे हैं और बोल रहे हैं कि हर साल जो अगस्त में वैकेंसी आएगा उसमें हम, इसका क्या गारंटी है अगस्त में क्या होगा? ऐसा नहीं है, मौका तो दिए यहाँ पे जितना बच्चा है सबको मौका दिया, पेयरिंग वाला भी दिए ना, फर्स्ट फेज में मौका दिए, उसमें टोटल बच्चा भी, लेकिन यही है कि हम लोग बीएड है, डीएलएड रहते तो हम लोग भी जॉब में रहते, उसमें बच्चा इसलिए पेपर टू का कोई फोकस नहीं किया कि वहाँ पे था कि जो पेपर वन सीटेड पास करेगा वन टू फाइव में टीचर बनेगा और जो बीपीएससी पास करेगा, टोटल बच्चा पेपर एग्जाम फोकस किया क्योंकि उसको नौकरी लगना था वन टू फाइव में, वन टू फाइव में टोटल बच्चा पेपर वन पास किया, जब पास कर गया एग्जाम दे लिए उसके बाद भी आपको जब नहीं लेना, 11 अगस्त का जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया उसके बाद भी बोले कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और टोटल बच्चा को बीएड का भी बच्चा एग्जाम दिया, आप एग्जाम में बैठाएं, एग्जाम में बैठाने के बाद आप उसको बाहर कर दिए, अब तुम लोग का नहीं देंगे डीएलएड का हम ज्वाइन कराएंगे, अभी सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका लगा उसके बाद भी आप डीएलएड का नियुक्ति पत्र दे दिए, ज्वाइनिंग करवा दिए सब, लेकिन जब जिस तरह से फेज वन में मौका दिए हैं तो फिर फेज टू में मौका क्यों नहीं? हम ये बोल रहे हैं हर साल बीटेट का वो भी आप नहीं करवा रहे हैं, अभी जो फर्स्ट फेज में 11 12 का बहाली आया था उसमें सीट खाली रह गया, जितना बच्चा नहीं था उससे ज़्यादा सीट था, तो तुरंत बिहार सरकार आनन फानन में आज तक फॉर्म भराया, दो दिन में एग्जाम लिया, स्टेट का एग्जाम करवाया, लेकिन उसमें भी बीटेट बीएड अपेयरिंग को मौका नहीं दिया गया, तो आप सीट भरने के लिए, लेकिन अभी बहुत सारा बच्चा स्टेट पास कर गया, तो जब उसमें मौका दिया कि हमारा ही क्वालिटी टीचर आवे, तो आपके लिए तो और खुशी की बात होना चाहिए कि आपसे कोई नौकरी नहीं मांग रहा है, सिर्फ बच्चा फॉर्म भर के एग्जाम में बैठने का मौका, जो इसमें क्वालिटी आप क्यों दूसरे स्टेट को मौका दिए, ताकि हमारे यहाँ क्वालिटी वाला टीचर है, जो अच्छा होगा वो हमको गुणवत्ता शिक्षक मिलेगा, तो ये तो सोचना चाहिए सरकार को कि जितना बच्चा को हम चाहे वो पेयरिंग में तो सीटेट में बैठने का ना मौका मांग रहा है जी, आपसे कोई नौकरी तो मांग नहीं रहा, जो अच्छा बच्चा होगा वो हमको क्वालिटी वाला टीचर मांगा, जितना ज्यादा बच्चा शामिल होगा उतना ही तो क्वालिटी मिलेगा, तो फिर जब आप फेज वन में मौका दिए तो टू में आप फिर क्यों नहीं दे रहे हैं, क्या किस कानून के तहत आप फेज वन में मौका दिए तो फिर फेज टू में क्यों नहीं दे रहे हैं? यही सरकार से नीतीश कुमार, अच्छा बात है कि आप बहाली लीजिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जैसे फेज वन में मौका दिया फेज टू में, यही गुजारिश है मुख्यमंत्री और तेजस्वी जी से कि हम लोग को मौका दिया जाए पेयरिंग सीटेट वालों को। तमाम जो अभ्यर्थी हैं वो अपनी मांगों को लेकर आज यहाँ इकट्ठा हुए हैं, ये धरने पर हैं और लगातार इनकी मांग है, देखिए कितना साफ साफ इन्होंने लिखा है, एग्ज़ाम हमारा हक है, खैरात नहीं चाहिए, एग्ज़ाम का मौका दो नौकरी हम खुद ले लेंगे, इन पर एक कॉन्फिडेंस है, सरकार से ये सिर्फ मौका चाह रहे हैं, जिस तरीके से पहले फेज में तमाम जो लोगों को मौका दिया गया था ये दूसरे फेज में इन तमाम चीज़ों को हटा दिया गया है, काफ़ी बदलाव किए गए हैं दूसरे फेज में, और ये लोग सरकार से एक गुहार लगा रहे हैं, बीपीएससी चेयरमैन से लगातार ये गुहार लगा रहे हैं कि हमें भी फिर से मौका दिया जाए, नौकरी तो हम खुद ले लेंगे, जब आप क्वालिटी की बात करते हैं तो क्वालिटी हम में है। इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें द एसडी न्यूज़ के साथ।